हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रैबिट आर्किटेक्चर में किस तरह से एस्टीमेशन करते हैं। रैबिट आर्किटेक्चर में हम लोग पूरे बिल्डिंग का एस्टीमेट कर सकते हैं कि उसमें टोटल कितने ब्रिक्स लग रहे हैं, टोटल कितनी सीमेंट्स लग रहे हैं, टोटल कितना सैंड लग रहा है, वो सब कुछ हम लोग रैबिट आर्किटेक्चर में बना सकते हैं, देख सकते हैं, उसके शेड्यूलिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से वॉल को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एस्टिमेशन के पार्ट टू में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अगर मोर्टार 1/6 का है, 1/4 का है, तो वहां पे कितना सैंड और कितना सीमेंट लगेगा विथ ब्रिक। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ब्रिक को कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रिक को देखने के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है। व्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है शेड्यूल। जस्ट शेड्यूल पे आप क्लिक करिए और शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल। अगर हम जिसे किसी भी चीज़ का, यहाँ पर देखिए कई चीज़ें दिख रही हैं आपको, ग्रिड, HBAC, लेवल, तो ये MEP के मेंबर्स हैं। MEP के मेंबर्स की भी आप एस्टिमेशन निकाल सकते हो। बट नाउ लाइक हमारे प्लान में क्या है, हमारे प्लान में ब्रिक लगा हुआ है, वॉल है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास होगा वॉल। जस्ट वॉल पर क्लिक करना, वॉल पर क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल प्रॉपर्टी खुलेगा। इस प्रॉपर्टी में हमें जो चाहिए, लाइक हमें क्या क्या किस किस चीज़ की शेड्यूलिंग निकालनी है, जैसे हमें एरिया का निकालना है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। और एरिया के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग, अगर हमको दूसरी चीज़ चाहिए लाइक हमको वैल्यूम भी कैलकुलेट करना है तो वैल्यूम को भी ऐड करा देंगे। विड्थ चाहिए तो हम लोग विड्थ को भी ऐड करा देंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग अगर चाहते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक भी हमें पता चले तो उसके लिए फॉर्मूला हमें डालना पड़ता है। हमें पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड में 1 m³ में 500 ब्रिक्स होती हैं, क्योंकि एक ब्रिक की साइज जो होती है वो होती है 19 × 9 × 9, और क्या बोलते हैं, विथ मोर्टार ये होता है 20 × 10 × 10। तो यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू पे हमें क्लिक करना है। कैलकुलेट वैल्यू पे क्लिक करके आपको जो भी कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे अभी क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक के लिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक करिए और उसके साथ ही साथ यहाँ पे उसका फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला क्या रखेंगे, अब जिससे पता है हमें कि वैल्यूम इनटू 500 पर 1 m³। तो आपको ये सबको पता है कि इतना ही हम लोग रखते हैं इसका फॉर्मूला। इसके साथ ही यहाँ पे हमको जस्ट ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बन जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जैसे हम लोग कैलकुलेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और हम अगर चाहते हैं कि प्राइस ऑफ ब्रिक भी हमें आए, तो यहाँ पे आप करिए प्राइस ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस ऑफ ब्रिक और यहाँ पे हमें फॉर्मूला में बनाना है कि प्राइस ऑफ ब्रिक। अब हमको पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ ब्रिक पता है इनटू करेंट रेट ऑफ ब्रिक अगर हम कर दें तो हमें फॉर्मूला पता चल जाता। हमने स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज प्राइस लिया 12 rupees पर ब्रिक, और ये करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर ओके करना है। अब अगर आप चाहते हो कि इन सबका टोटल निकले, जैसे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं, प्राइस टोटल कितना लगने वाला है, उसके लिए आप यहाँ पर पहले आइए सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे और यहाँ पर ग्रैंड टोटल करिए और यहाँ पर टोटल ओनली करिए। टोटल ओनली कर दिया हमने। इसके बाद फॉर्मेटिंग पे आइए और फॉर्मेटिंग पे आने के बाद एरिया, वैल्यूम, विड्थ, नंबर ऑफ ब्रिक, प्राइस ऑफ ब्रिक, जितनी भी चीज़ों का हमको टोटल जानना है उनको सबको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैलकुलेट टोटल पे क्लिक करिए और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखेंगे आपके सामने टोटल वॉल शेड्यूल आ गया है। वॉल शेड्यूल में हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक आ रहा है। नंबर ऑफ ब्रिक हमारी कितनी लग रही है, 28,000, यस। एंड उसके बाद इंटू 12, तो जो मल्टीप्लाई करके 3 lakh समथिंग हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ ब्रिक आया। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो आउटर वॉल थी वो 9 inches थी, तो यहाँ पे 9 inches आ गया, और जो इनर वॉल थी ये सभी 4.5 inches थी, तो 4.5 inches यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यूम हमारा मीटर क्यूब में दिखा रहा है और एरिया भी हमारा मीटर स्क्वायर में दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं एरिया को मीटर स्क्वायर की जगह स्क्वायर फीट में देखूं, तो स्क्वायर फीट में देखने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट यूनिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर यूज प्रोजेक्ट सेटिंग को ऑफ करना है। जैसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा किस यूनिट में आपको चाहिए, मैंने बोला स्क्वायर फीट और यहाँ पर ओके कर दिया। आप देखिए हमारी सारा एरिया स्क्वायर फीट में आ गया। ऐसे वैल्यूम को चेंज करना है तो कर सकते हैं,
विड्थ को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर से कोई एडिटिंग करने का हमारा मतलब हमें लगता है कि कुछ डिलीट करने की, तो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, और क्या बोलते हैं सेलेक्ट कर किसी को हाइड करना तो यहाँ से हाइड कर देंगे। बट अगर किसी को फिर से एडिट करना है या कुछ फिर से ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे सीमेंट ऐड करना होगा, तो यहाँ पर फिर से आप आके यहाँ पर कैलकुलेट वैल्यू करके और सीमेंट को भी निकाल सकते हैं। बट मैं सीमेंट और सैंड को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ एस्टिमेशन पार्ट टू में। तो हमने यहाँ पे देखा कि इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जब एस्टिमेशन कर रहा था तो यहाँ पर ये भूल गया कि हमने टोटल करना है, तो अब उसको रीसाइज करने के लिए, री एडिट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग के एडिट पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं उसको जो भी चीज़ें। लेकिन अगर हम वैल्यूम को भूल गए कि टोटल नहीं किया है तो यहाँ पर करके ओके कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास होता है फील्ड, अगर हमको फील्ड पे एडिट किया तो फिर से हम फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर करना हो किसी चीज़ को, सॉरी यहाँ पर अगर फिल्टर करना हो किसी चीज़ को तो यहाँ से हम लोग इसको फिल्टरिंग कर सकते हैं कि एरिया को फिल्टर करना, हम केवल एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया पर क्लिक कर दीजिए। ये मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा आपको। इसके साथ ही यहाँ पर फॉर्मेटिंग में हम लोग फिर से वही टोटल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस पे हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि हमारी लाइन थीन है कि हमारी लाइन, जैसे कि हिडन लाइन होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्लान होते हैं, तो उन प्लान में क्या होता है हिडन लाइन भी होती है, और कुछ कुछ प्लान में हमारे पास लाइक मीडियम लाइन्स होती है, किसी में वाइड लाइन होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से बताएंगे उसको, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा आपको। और यहाँ पर सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग भी रहता है, तो सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में अगर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे सबका टोटल नहीं चाहिए, केवल टाइल का टोटल चाहिए, तो टाइल एंड टोटल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो टाइल एंड टोटल को भी डिस्कस करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं ब्रिक पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल ओनली करके हमने इसको ओके किया, और फिर अब हम लोग को पता करना है कि ये जो वॉल है, ये जो लाइक हमारे पास 400 स्क्वायर फीट है, ये कौन सी एरिया है प्लान में हमारे, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके जैसे ही प्लान को क्लिक करेंगे, लेवल वन के प्लान को क्लिक करेंगे, तो वॉल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब हमें पता चल जाएगा किस वॉल का वो एरिया था। ठीक है, मान लीजिए आपको फिर से पता करना है कि यहाँ पे लाइक हमको फिर से शेड्यूल को देखना है, तो शेड्यूल को देखने के लिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे आके फिर से आप वॉल शेड्यूल, अभी जैसे एक बार मैंने पहले वॉल शेड्यूल बनाया था, ये सेकंड वाला जो अभी बनाया ये वॉल शेड्यूल टू है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से हमारे पास ये तैयार होके आ जाएगा। अभी हमारे पास 28,000 ब्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू कर दूँ, और सॉरी यहाँ पे 3D व्यू कर दूँ और यहाँ से डोर एंड विंडो को डिलीट कर दूँ, तो हमारे ब्रिक की क्वांटिटी ज़्यादा लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एरिया उसको भी ब्रिक फिल करेगा ना, तो उसको देखिए सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। कैसे? देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, और अभी जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर रिकैलकुलेट खुद से कर लेता है, मतलब ऑटो जनरेट करता है इस चीज़ को, तो ये बहुत ही अच्छा है रैबिट आर्किटेक्चर के अंदर। और इसके अलावा रैबिट आर्किटेक्चर के अलावा मेरे 3ds मैक्स और स्टैट प्रो के भी काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड है, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। और अगर आपको ये सभी अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करो, मैं डेली एक वीडियोस तैयार आपके लिए लेके आता हूँ। तो जो सारे वीडियोस हमारे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। अब चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि अब हमारे नंबर ऑफ ब्रिक जो हैं वो ज़्यादा हुए क्या, तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके आप देखेंगे तो वॉल शेड्यूल टू बजे से क्लिक करेंगे, तो लास्ट टाइम हमारे पास 28,000 ब्रिक लग रही थी, अभी हमारे पास 29,000 ब्रिक लग रही है। इस तरह से हमने पूरा क्लियर किया कि किस तरह से वॉल में ब्रिक को कैलकुलेट करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ मोर्टार के बारे में, और साथ ही साथ मोर्टार जब ब्रिक के साथ ऐड करते हैं तो उसका वैल्यूम क्या आता है, और विदाउट मोर्टार हमारे सीमेंट हमारे ब्रिक का क्या वैल्यूम होता है, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।